हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के ट्रेलर 2 यानी कि देवरा रिलीज ट्रेलर के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई। सो गाइस, ये ट्रेलर जो है आज दोपहर में 12:07 पर रिलीज होने वाला था, लेकिन जैसे परंपरा है, प्रथा है यहाँ पर साउथ फिल्मों की कि वो जो निर्धारित समय रहता है वहाँ पर अपनी फिल्मों को रिलीज नहीं करते हैं ट्रेलर्स को, तो ये फिल्म ने भी वही रूट जो है फॉलो किया एंड 2:07 पे ट्रेलर जो है रिलीज हुआ। मैंने इस ट्रेलर को 2:07 पर देखा एंड लिटरली फोन को है ना बंद करके साइड में रख दिया। एज अ जूनियर एनटीआर फैन, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की फिल्म लेकर जूनियर एनटीआर जो है वो पैन इंडिया लेवल पर आएंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, अब कितने दिन बचे हैं रिलीज को? ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज संडे है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4-5 दिन बचे हैं तब बज ऑफ देवरा इन द नॉर्थ मार्केट इज जीरो। दिल्ली में इसकी हिंदी की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, हार्डली एनीवन हु इज बुकिंग द टिकट्स। क्यों, क्या कारण है इन चीजों का बताओ मेरे को। सबसे बड़ा कारण है ट्रेलर नंबर 1 जो था वो ही वर्क नहीं हुआ इस पिक्चर के लिए, एंड ट्रेलर नंबर 2 का क्या मकसद रहता है कि हमको एक बाप लेवल का ट्रेलर दे। अरे सलार का जब ट्रेलर नंबर 2 आया था ना, पागल हो गई थी पब्लिक के क्या है ये, खतरनाक। उसी टाइम पर खटाखट, और सलार में तो हिंदी एडवांस बुकिंग जो थी वो ओपन भी नहीं करने दिए थे क्लैश वाला डंकी के साथ, याद है मनोज देसाई जी कितना चिल्लम चिल्ली किए थे। डिस्पाइट ऑल दैट, फिल्म ने क्या ओपनिंग ली थी, देवरा इज सीइंग नो एडवांस बुकिंग इन द हिंदी वर्जन। यस, आपका यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में ड्यू टू एनटीआर स्टार पावर ओपनिंग ले रही है फिल्म वहां पर, क्योंकि हर तेलुगु फिल्म के लिए वहां पर प्री सेल्स होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट, देवरा ट्रेलर नंबर 2 इज अ बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट। क्या बीजीएम है, क्या चल रहा है पीछे, कौन सी म्यूजिक चल रही है एंड क्या एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे हैं। ट्रेलर नंबर 1 से लेकर ट्रेलर नंबर 2 में एक नया सीक्वेंस डाला है कि जूनियर एनटीआर पे वो चाकू जो है सैफ के गले के पास रखता है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द स्टोरी लाइन ऑफ दिस फिल्म। ये बहुत ही बेसिक प्लॉट है, बाप जो कि जितने भी लोग यहाँ पर समुद्र में आतंक फैला रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कहर बनकर आता है, अनफॉर्चुनेटली उसका देहांत हो जाता है। जो आदमी देहांत इसका करता है सैफ अली खान, वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब उसका बेटा जो जूनियर एनटीआर वो यहाँ पर आया हुआ है, किस तरह से बाप का बदला लेगा। अरे दिस इज अ डन टू डेथ प्लॉट ओवर हियर, ये प्लॉट पे ही फिल्म खत्म है। ये यानी सारे के सारे सीन्स हमने गाइस आचार्य में देख चुके हैं, एक बार आचार्य देख लो जाकर तुम लोग, यही डायरेक्टर की पिक्चर है। यहाँ पर देयर इज नो नॉवेल्टी फैक्टर एट ऑल। यहाँ पर ये ट्रेलर कट इतना स्लो है, इतना पुअर है कि इसमें कुछ भी नया ऑफर नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एज द बिगेस्ट फैन ऑफ जूनियर एनटीआर एंड हिज एक्टिंग, आई एम मैसिवली डिसअपॉइंटमेंट तारक। सीरियसली, ये फिल्म लेकर आप पैन इंडिया लेवल पर आओगे? हाँ, वॉर 2 आपकी पहली फिल्म होनी चाहिए थी जो पैन इंडिया लेवल पर आ रही है, आई मीन हिंदी भाषा में आ रही है। वॉर 2 के लिए हम कितने एक्साइटेड है, लोग अभी से बात कर रहे हैं कि जूनियर एनटीआर का डांस ऐसा होगा, ये होगा। इस पूरे के पूरे ट्रेलर में लिटरली सेम जूनियर एनटीआर, वो जो छोटा वाला किरदार है वो जरा भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। क्या बीजीएम चल रहा है, क्या म्यूजिक चल रही है, बस थोड़े बहुत डायलॉग्स पीछे से है यहाँ पर देवरा के बारे में, वही नदी है, वीएफएक्स, और उसके बारे में तो बात नहीं करूं तो ही बेहतर होगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, पूरा स्टूडियो फील है, जिसने भी वीएफएक्स किया है इस पिक्चर का हैज फेल्ड मैसिवली ओवर हियर। जब मोबाइल पे इतना खराब लग रहा है, पूरे के पूरे सी पोर्शन, जो अंदर लाशें तैर रही है वहां पर, वो शिप सीक्वेंस एब्सोल्युटली अनकन्विंसिंग। देवरा इज गोइंग टू टर्न आउट अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट एट द बॉक्स ऑफिस। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ पर। तेलुगु में यस, फिल्म पागल ओपनिंग लेगी, अभी से सुबह 4 बजे के 6 बजे के शोज फुल हो रहे हैं, लेकिन अपने दिल से पूछो कि इज दिस व्हाट यू वांट टू सी ऑन द बिग स्क्रीन। मैंने क्या सोचा था, क्या एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पूरा एड्रेनलिन होना चाहिए, मार रहा है, फुले मस्त बीजीएम बज रहा है, एलिवेशन आ रहा है, सैफ अली खान एकदम मेनेसिंग, दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, मैं कुछ भी गूज़बम्प मटेरियल नहीं है यहाँ पर। साउथ फिल्म में एक्साइट करती है उनकी एलिवेशन से, यहाँ पे एक्शन सीक्वेंस है और रिवाइव बस मिट्टी में मारा मारी करो। जाह्नवी कपूर, माई गुडनेस, हॉरिबल, कपूर शुड क्विट द इंडस्ट्री। जाह्नवी कपूर का एक डायलॉग है, मुझे पहले से मालूम था वो साड़ी पहन के, हाँ
जानबूझ के उसको ज्यादा नहीं दिखा रहे गाइस यहाँ पर, माँ का भी एंगल डाला गया है, कोई रिश्तेदार है, हाँ पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में बता रहे हैं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, और वही एक शिप का सीक्वेंस है, उसको 8 डायरेक्शन से हमको सेम चीजें जो है यहाँ पर बता रहे हैं बार बार। एंड द शार्क सीक्वेंस इज हॉरिबल मैन। वो छत्रपति मूवी में प्रभास ने आज से कितने साल पहले वो शार्क वाला सीक्वेंस किया है, ये वाला यहाँ पर कितना वो खराब लग रहा है गाइस। ट्रेलर नंबर 2 होता है फिल्म को पागल बनाने के लिए। अरे तानाजी अनसंग वॉरियर का ट्रेलर नंबर 2 याद करो, अजय देवगन का, बाप रे बाप। सलार का ट्रेलर नंबर 2 देखो, ट्रेलर नंबर 2 ऐसा होना चाहिए कि अभी हम जाके टिकट बुक कर दे थिएटर में जाकर। ये तो इतना स्लो ट्रेलर है, कुछ भी दिखा रहे इसके अंदर। हाँ नदी लाल हो रही है और फिर उसके बाद वो नदी में चोरी करने के लिए आ रहे है, सैफ अली खान डायलॉग बाजी कर रहा है। सबसे बड़े 100 बात की एक बात, वो सैफ अली खान तो जमीन रहा है इस पिक्चर में, कई सब को झुमरू बना के खड़ा किया है इस पिक्चर में यहाँ पर। हाँ जूनियर NTR, व्हाट अ परफॉर्मर ही इज। अनफॉर्चुनेटली द चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जूनियर NTR फॉर अ पैन इंडिया फिल्म इज अनकन्विंसिंग। हाँ अगर देवरा एक साउथ की फिल्म होती तो एक रूटीन साउथ की फिल्म है जो कि गाइज यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। टिपिकल रिवेंज स्टोरी है, इसका डायरेक्टर सबसे बड़ा अपराधी बनेगा इस फिल्म के लिए कोरटाला सेवा। बस ये फिल्म अच्छी निकले, बॉक्स ऑफिस पर चल जाए, यही मेरी उम्मीद है। फिलहाल देवरा ट्रेलर नंबर 2 इज अ डिसअपॉइंटमेंट। ना इसका BGM सिंक में है, एडिटर तो जो भी है उसको भाई सलाम देना चाहता हूँ मैं। क्या एडिट कर रहा है और क्या म्यूजिक चल रही है, कुछ भी मिसमैच कट्स है, देयर इज नो फास्ट कट्स इन द ट्रेलर। द ट्रेलर इज एब्सोल्युटली स्लो, इट्स लथार्जिक, द पेस ऑफ द ट्रेलर इज सो स्लो ओवर हियर। अरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मैं, अरे जूनियर NTR की पिक्चर है, हम लोग सुबह 4-5 बजे बैठ के देखे है जाकर वहां पर। इंसान का जय लवा कुशवा देख लो जाकर, हाँ अरविंद समेटा जाके देख लो जूनियर NTR की जाकर तुम लोग। हाँ क्या बोलने का यार, मूड ऑफ कर दिया जूनियर NTR ने। जूनियर NTR भी कैसा लग रहा है कुछ सीन्स में, बाप वाले पोर्शन में तो एकदम एक स्टिल एक्सप्रेशन रखा हुआ है। ऑल गाइस ट्रेलर 2 इज अनकन्विंसिंग, उम्मीद थी कि ट्रेलर अच्छा कटेगा लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया। आई गिव द ट्रेलर री रिलीज ट्रेलर ऑफ जूनियर NTR देवरा 1.5 out of 5 stars। आई एम स्केर्ड फॉर दिस फिल्म कि फिल्म हिंदी में कितना ओपनिंग लेगी। साउथ का तो ऑब्वियसली एक दो दिन चलेगी पिक्चर, बट एट एंड ऑफ द डे यू नीड अ कन्विंसिंग कंटेंट। और पार्ट 2 में क्या दिखाओगे, ऐसा क्या हो जाएगा इस फिल्म में, क्या होगा इस पिक्चर में, जूनियर NTR शार्क बन जाएगा इस पिक्चर में। हाँ सी गाइस दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, इसको प्लीज मजाक में मत लो, ठीक है। आई वॉन्टेड तारक, मैंने तो RRR के बाद तारक की हिंदी में इतनी तारीफ कर दी थी, पता नहीं। देखो गाइस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे आप लोगों का पता नहीं है। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करता हूँ 27 सितंबर को ये फिल्म अच्छी बनकर आए और इस फिल्म को सेलिब्रेट करें बॉक्स ऑफिस पे। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।